कि आप ऐसे मार्केट टू मार्केट, वेंडर टू वेंडर आप प्राइस चेक के लिए घूम रहा होता है, तो अभी तक क्या स्टेटस रहा है सर? तो इसका तो वैसे देखिए, आपको मैं सही ढंग में बताना है तो बात इस प्रकार से होगा कि जैसे अभी आपका हाथ है, वो हाथ का काम करता है, पाँव जो है पाँव का काम करता है, आँख आँख का, नाक नाक, कान, सभी का समाज में जो बनाया गया है उन लोगों को काम करना चाहिए। जब नहीं करता है तो मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहा है, फिर भी जब प्रॉब्लम है तो पक्का कोई तो नहीं कर रहा है जिसका कारण से पब्लिक को तकलीफ होता है। आज भी कर्सिंग साहब से शिकायत आया, जी एक्सटेंशन से शिकायत आया, सब जगह से शिकायत आया। कल भी काफ़ी निर्जुली में ही आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका 150 में बेच रहा था। तो फिर होलसेल दुकान में जाने से आप देखेगा कि उसको इसको कोल्ड ड्रिंक्स को आपको जो 90 रुपीस में है तो उसको 110 में, आप जाने से भी सबसे पहले आपको नहीं पहचानेगा तो 110 में ही बेचेगा, लेकिन आपको पहचान लिया है कि आप ये है मीडिया का आदमी है तो आप उसको आपको कम करके 90 में आपको बेचेगा। तो ये सब चीज़ जो फायदा उठा रहा है। अभी मैं मुर्गी का बात कर रहा हूँ। मुर्गी जो है ओलोंगी का, वहाँ में पार में आसाम में आपको 110-120 में इस समय में मिल रहा है। आप उसका सारा गाड़ी का खर्चा लगा के ईटानगर में अगर रिटेलर को अगर बेचता है तो 180-190 में ही बेचेगा। अगर वो रिटेलर जो है 180-190 नहीं बेच के 300-400 में बेचने लगेगा तो बिल्कुल ये सही बात नहीं। इसको लेके हमने काफ़ी अरेस्ट किया, नाहरलगन में भी काफ़ी अरेस्ट किया, सीज़ किया, ईटानगर में भी काफ़ी अरेस्ट भी किया, सीज़ भी किया। प्राइस जो एक डायनामिक चीज़ है और डायनामिक चीज़ को लेके सभी लोग फ़ायदा उठाना चाहता है, वो भी तो सही बात नहीं है। अभी हम पुलिस और मैजिस्ट्रेट और कोई भी बड़ा बड़ा ऑफिसर उसी दाम में खरीद रहा है। कारण यही है कि हम खरीद रहा है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वो लोग फायदा उठा रहे हैं। मैंने अपना वो कहीं फेसबुक में भी मैंने रिक्वेस्ट किया और मैंने अभी भी आपका इस चैनल का माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी लेते हैं सभी लोग अगर इसका स्लिप एक तो ले लेने से आपने कितना खरीदा है। सर, ये स्लिप का ऊपर में बहुत सारा एक बार कमेंट भी आया था हाँ, कि सुना है। वेंडर्स वेंडर्स लोग स्लिप कैसे प्रोवाइड करेंगे? नहीं, ये वेंडर्स को स्लिप प्रोवाइड कराना काम है हमारा मार्केट कमेटी है। मैं इसलिए आपका हाथ पांव नाक का जिक्र इसलिए किया कि ये जो चीज़ जो है अभी अल्टीमेटली कल को फिर मुझे ही एक्शन में जाना होगा, मुझे एक्शन लेना होगा। मुझे भी दुख लगता है कि किसी को अरेस्ट करना, फिर पब्लिकली फिर उनको उठा के मीडिया में चरा देना, फिर थाना में लेके कम से कम वहाँ में हम ले जाता है, अरेस्ट हो जाता है तो कम से कम 3-4 घंटा तो मिनिमम रहना होता है। उसका बाद अगर पीआर बोन में चोरता है तो चोरता है, नहीं तो उसको फिर रेगुलर केस बनाना होता है, फिर उसको बहुत एक्सरसाइज इतना अच्छा नहीं है। लेकिन करने का मजबूर नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करने देने के लिए सभी लोगों को अपना रोल अदा करना चाहिए। एक मुर्गी को सेल करने के लिए उनको एक जगह चाहिए, उनको एक पल्ला चाहिए। अगर वो पल्ला मैनेज कर रहा है, जगह मैनेज कर रहा है, तो उनको जहाँ से खरीदा है उसका प्राइस को, जहाँ से होलसेल से जो खरीदा है वो कागज़ को रखने में उनको क्या तकलीफ है? और उनको एक कागज़, एक छोटा से एक हार्डबोर्ड में चिकन पर केजी इतना, ड्रेस इतना इतना, या मिथुन मीट इतना इतना, या बीफ मीट इतना, पोर्क इतना, छोटा से एक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग लाइसेंस मिनिमम एक तो होना चाहिए। आप अभी इस समय का जितना लोग है उनका पास ट्रेडिंग लाइसेंस भी नहीं है। ट्रेडिंग लाइसेंस इन द सेंस एपीएमसी जो देता है वो भी तो नहीं है। एपीएमसी जब ट्रेडिंग लाइसेंस देता है वो कंट्रोल कर सकता है प्राइस इतना होगा, लीगल मेट्रोलॉजिकल दे सकता है, वो भी पूछ सकता है कि आपका ये जगह कहाँ का है, लोकेशन कहाँ से है, वेट मेजरमेंट करने के लिए उसका लाइसेंस कहाँ है, बहुत कुछ छूट हो गया। उसका ऊपर में मार्केट कमेटी है,
उसका ऊपर में मेंदोर कमेटी है, उसका ऊपर में चांबारो कुमार से जो होलसेल लोग को साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहता है। अभी पुलिस और मजिस्ट्रेट बार बार जाके अरेस्ट करना, केस बनाना, ये भी तो ठीक नहीं है। सर हाल ही में सोशल मीडिया में एक सर्कुलेट हो रहा है, दुर्पंग नाम का कोई विलेज है, वहाँ से कुछ 8-10 नॉन APST इन्फिल्ट्रेट किया था। ऐसे जंगल से जो इन्फिल्ट्रेट करता है बाहर से नॉन APST जो आसाम से, इसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चेक एंड बैलेंस कर सके? इसको एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन में कभी बातें होते हैं कि हमारा जो नॉर्मल गेट को छोड़ के जैसे नदी का रास्ता होता है, जंगल का रास्ता होता है, उन सभी को थोड़ा ख्याल करके रखना चाहिए। जैसे ही यहाँ काम शुरू होगा ईटानगर में, तो बाहर से लोग आने का भी चांस है, वो मेन गेट से नहीं होके ये जंगल का रास्ता और नदी का रास्ता लेके। उन्होंने भी पुलिस ऑफिसर से और खास करके बंदरद्वारा लोग, पुलिस ऑफिसर लोगों को और वहाँ पे जो पंचायत के लोग गंबूरा रहते हैं और या कोई भी वहाँ का लोकल सिटीजन्स होते हैं, यूथ्स होते हैं, उनको भी हम लोगों ने बहुत इंटरेक्शन करते हैं जब भी मिलता है कि आप लोगों का साइड से भी इस प्रकार का कोई इंप्लीटेशन होता है वो पुलिस को सूचित करना है। अगर आप लोगों का नज़र में और आप लोग जिस ढंग से उस मीडिया में दिखाई दे रहा है, आप लोग जो भी आदमी को मिलता है उनको अच्छा से व्यवहार करें और हमें हैंडओवर करें, पुलिस को हैंडओवर करें या मुझे सूचित करें। मेरा नंबर है 9436041997 है। आप लोग कहीं भी इस प्रकार का कोई इंप्लीटेशन मेन गेट को छोड़ के कहीं से भी आता है तो आप पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें, DC ऑफिस में इन्फॉर्म करें, EAC ऑफिस में इन्फॉर्म करें। अगर फोन नहीं लगता है मेरा नंबर में आप कॉल करके बताइए। और कानून अपना हाथ में कोई भी हालत में लेना नहीं है।